the things that make you sad. Remember the moments that make you glad. Forget the troubles that passed away. Accept the blessings that comes on your way. Hi, myself Fenil Shah. Here Aditya Bhavsar. We are going to hire your minds for a couple of minutes and make you smile. Yes, sit there, relax, just keep smiling. Now let's start. हमारे देश में पप्पूओं की कोई कमी नहीं है. एक बार एक पप्पू ऑपरेशन के बाद एकदम से खड़ा हुआ और बोला, डॉक्टर क्या मैं रोग मुक्त हूँ? उतने में से ही पीछे से आवाज आई, डॉक्टर तो नीचे रह गया, मैं तो चित्र मुक्त हूँ. हमेशा लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए. ये हमने बहुत ही छोटी सी पोएम में से सीखा है, शायद आप सुनो, आप भी सीख जाओ. When a bird flying in the sky, I looked up and it sits on my eye. I don't cry and I don't mind. I just thank God that cows don't fly. एक बार ट्रेन उलटने का केस अदालत में पहुंचा, तभी जज ने ट्रेन के ड्राइवर को पूछा, ट्रेन पटरी पर से उतारी क्यों? तो ट्रेन के ड्राइवर ने जवाब दिया, ओए यारा, एक बंदा पटरी के बीचों बीच आ गया, ओए ब्रेक मारनी असंभव थी, तो हमारे असिस्टेंट चतुर असिस्टेंट ने कहा कि उस बंदे के ऊपर चढ़ा दो. फिर वो बंदा पटरी से नीचे उतर गया. अरे सोच समझ के ना की शादी सारा जन्म बिगाड़ दिया. सोच समझ के ना की शादी सारा जन्म बिगाड़ लिया. जिसने चतुराई से की शादी उसने क्या उकाल लिया. आंखों में नमी थी, विटामिन सी की कमी थी. आंखों में नमी थी, विटामिन सी की कमी थी. जिससे सारी रात चैटिंग की वो गर्लफ्रेंड की मम्मी थी. दोस्त की शादी में एक लड़की से ऐसे ही मेरा दिल जुड़ गया. दोस्त की शादी में ऐसे ही एक लड़की से मेरा दिल जुड़ गया. फिर मैं तो अभी लुट गया. सरकार ने लगा दिया है पॉलिथीन पे बैन. सरकार ने लगा दिया है पॉलिथीन पे बैन. तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का. ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए. क्या ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए. पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए. एक बार एसीपी ने लाश से पूछा, खून किसने किया बताओ. एक बार एसीपी ने लाश से पूछा, खून किसने किया बताओ. लाश ने कहा, मैं लोटी खाओ खुद जान जाओ. एक सवाल पूछ, वेयर आर यू बॉर्न. पंजाब. नो सॉरी, इन गुजरात. ओए विच पार्ट. अरे विच पार्ट क्या, ओल्ड बॉडी इन गुजरात. चल मैं तुझे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. पूछो, मैं तैयार हूँ. तू एग्जाम शीट पे सबसे पहले क्या लिखेगा? इस आंसर शीट में लिखे गए सारे आंसर्स काल्पनिक है, जिनका किसी भी टेक्स्ट बुक से कोई संबंध नहीं है. क्या बात है, जोर बात है, जोर बात है. एग्जाम्स के रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं. सब अजीब होते हैं, सब अपने अपने नसीब होते हैं. रहते हैं जो निगाहों से दूर, सब वही क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं. यू गेट रिंकल्स इफ यू क्राई, यू गेट पिंपल्स. सो जस्ट कीप स्माइलिंग एंड गेट पिंपल्स.